अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ पालक की भाजी और साथ में आलू डाल के बनाऊंगी। और बघार के लिए जो लगेगा वो देख लीजिए। और इसमें बघार के लिए कांदा लगेगा और साथ में मिर्ची भी डालूंगी मैं, कांदे में ही फ्राई होएगा। और टमाटर लगेगा और मैं पालक में डालती हूँ टमाटर, आज तक के कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत से लोग नहीं डालते पालक में टमाटर, बोलते हैं कि कुछ नुकसान होता है बॉडी में, अब पता नहीं क्या होता है तो ऐसा। और इसमें ये कढ़ाई मैंने गरम को रख दी हूँ, इसमें डाल दी हूँ तेल। और बहुत सी चीज़ें इसमें मतलब काट दी हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींची हूँ मैंने, इसलिए कम से कम टाइम में हुआ है, 6 से 7 मिनट के अंदर। और तेल डालने के बाद ही 1 आध मिनट में मतलब मैंने कांदे को डाल दी, ज़्यादा एकदम तेल गरमाई नहीं मैंने। और कांदे को हिला लूँगी अच्छे से। और जैसे मैंने बोली थी कि मिर्ची भी उसी में डाल दूँगी कांदे में फ्राई के लिए, तो मैंने मिर्ची भी डाल दी। तो मुझे ऐसा कांदे में फ्राई वाला मिर्ची अच्छा लगता है भाजी में, तो मैं उसको मतलब क्या बोलते हैं, मिर्ची को मतलब फेंकती नहीं हूँ उसको, वैसे ही चावल या रोटी से खाती हूँ लगाकर। तो इसमें आलू भी डालूँगी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि 2 आलू डालूँगी और उसको काट लूँगी छिलके निकाल कर। और टमाटर भी मैंने लेके काट ली हूँ। और यहाँ पे मैं दाल भी चढ़ा रही हूँ, बीच बीच में दिखा रही हूँ। तो कांदे में मैंने टमाटर डाल दी हूँ, कांदा बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करी, हल्का ब्राउन के टच हो रहा था उसी टाइम पे मैंने इसको डाल दी टमाटर को। और टमाटर में डाल दी हल्दी और साथ में नमक। और ये सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको भून लूँगी थोड़ा। और थोड़ा मेरा वीडियो आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अच्छे वीडियो लाऊँगी। और ये दाल में डालने का मैं दिखा रही हूँ, लहसुन हरी मिर्ची और टमाटर को मैंने काट ली हूँ और उसको दाल में डाल दूँगी। तो ऐसा मैंने दाल की भी रेसिपी समझो आप लोगों को दे दी हूँ। और पालक को काट के पानी में डाल दी हूँ। और ये हो गया टमाटर, एकदम ज़्यादा नहीं पिघलाना है टमाटर को, हल्का हल्का दिखना चाहिए। उस टाइम पे मैं इसमें पालक डाल दूँगी। और पालक बहुत फ्रेश था, हरा हरा दिख रहा होगा। और पालक में पानी बहुत छूटता है। और इसको धो ली मैंने आलू को भी और इसमें डाल दी हूँ। धोकर ही मतलब मैंने उसको प्लेट में रखी थी कि मतलब वो काला नहीं पड़े। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साइड में कुकर भी दिख रहा होगा आप लोगों को, जिसमें मैंने दाल चढ़ा दी। और इसको अच्छे से मिक्स कर ली और फिर से एक बार और मिक्स करूँगी। क्योंकि वो थोड़ी ऐसा ज़्यादा ज़्यादा थी ना, तो हिलाने नहीं जम रहा था, तो थोड़ी जब सॉफ्ट हो गई ना तो तभी फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स करी। और पालक बटाटा किस किस को पसंद है ज़रूर बताना मुझे, मुझे अच्छा लगता है। तुम ऐसे ही मतलब पका लो, और थोड़ा पानी पानी रहता है उस टाइम पे, तुम चावल से भी खा सकते हो, अच्छा लगता है। और इसको ढक के रखूँगी ताकि हमारे आलू गल जाए ना, तो फिर इसका पानी मैं खुला रख के सुखा सकती हूँ। आलू गलने का ही वो रहता है, पालक तो अच्छे से गल ही जाता है एक ही भाप में।
उसको फिर से ढक दी मैंने। और यहाँ मेरा चावल तैयार हो गया, मैं दिखा रही हूँ। तो मतलब दाल और चावल हमारा, चावल बन गया है, दाल मतलब बघार देना था मुझे। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि बघार के लिए मैं एक वो ले ली हूँ, बघार का बर्तन, और उसमें तेल डाल दी, वो भी दिख रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से कम टाइम में आप लोगों को समझो दो रेसिपी दे दी मैंने, दाल की भी। और दाल तो हमारे हिसाब से कम ज़्यादा जैसा घुटना है दाल को वैसा करना, और दाल मेरी 1.25 किलो थी। और तेल गरम हो गया हल्का, तो मैं इसमें राई डाल दूँगी। राई और ज़ीरा, तो ये अच्छे से पक रहा है तड़का हमारा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई का ढक्कन निकाल ली, इसको हिला लूँगी और दिखा रही हूँ कि मैंने दाल में बघार दे दी है, क्योंकि कुकर बाहर साइड रखी हूँ ना, थोड़ा चूल्हे पे नहीं है ना, तो इसलिए दिख रहा नहीं है, तो मैंने वहाँ पे बघार दे दी थी। और ये बन गया है, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।